वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दर्शन दीदारी दे विच। अज असी पहुंचे हाँ श्री मुक्तसर साहब जिले के पिंड साहिबचंद दे विच। इत्थे भी एक इतिहासक गुरद्वारा साहब स्थित है जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नाल संबंधित है। इस गुरुद्वारे का इतिहास जाना कि करवाने तुहानू इस गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन। संगत जी मन्या जांदा है कि गुरु साहब जी जदों गुरद्वारा गुप्तसर साहब विखे आए सी तां इत्थे अक्सर दातन कुरला करन आया करदे सन। ते इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि गुरु साहब जी इत्थे दो वार आए सन। गुरद्वारा साहब दे जे इतिहास की गल करिए तां गुरद्वारा साहब विच लिखे हुए इतिहासक हवाले अनुसार यह लिखा गया है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का एक प्रेमी सिख जो महान योद्धा सी जिसका नाम साहिबचंद सी यह आनंदपुर के युद्ध में शहीद होया। गुरु साहब जी की आग्ञा नाल इसका संस्कार निरमोहगढ़ किया गया। जीत तय खालसे की और साहिबचंद की लोथ उठाई गई। गुरु सोभा दो जिला फिरोजपुर तहसील मुक्तसर थाना कोटभाई विच एक पिंड है जिसकी वसों के नाल ढाब के किनारे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरद्वारा है। गुरु जी ने साहिबचंद की कुरबानी ते सिखी सिदक सदका ही इस जगह दो बार चरण पाए सन। नगर साहिबचंद का नाम दिता। पिंड वालों सत घुमाओ जमीन गुरद्वारा साहब के नाँ है। हर साल विसाखी नूं मेला हुंदा है। रेलवे स्टेशन बल्लूवाणा तो 7 मील कच्चा रस्ता है। महान कोश भाई कान सिंह नाभा। संगत जी गुरद्वारा साहब की इमारत बहुत ही सुंदर बनी हुई है। गुरद्वारा साहब के आसे पासे छप्पड़ दिखाई दिंदा है। दस्या ये भी जाता है कि जदों गुरु साहब जी इत्थे आए सन तो इत्थे पिप्पल दे रुख थले बैठे सन। गुरद्वारा साहब दे बैक साइड एक पुराना खूह भी बनया होया जिस दे आप जी दर्शन कर रहे हो। तो यह है संगत जी गुरद्वारा मुख मंजन साहब पातशाही दसवीं। वीडियो किवें लगी जरूर दस्यो जी। जल्द ही किसी होर इतिहासक स्थान नू लेके अगली वीडियो विच मिलदे हां। धन्यवाद।